Hello everyone, today's recipe is veg loaded thin crust pizza. ये pizza बहुत ही healthy है. It is made of whole wheat flour. इसमें मैदा भी use नहीं हुआ है, ना ही इसमें cheese use हुआ है. And you can make it at home very easily on tawa or a non-stick pan. आपको oven की भी ज़रूरत नहीं है. ये pizza बहुत ही tasty और बहुत ही healthy है और आप इसे चाहे तो रोज़ भी खा सकते हैं. I hope you enjoy this video. Let's get started with the recipe. सबसे पहले मैंने पिज्ज़ा के लिए लिया है 1 कप आटा. इसमें 2 पिज्ज़ा बेस बन जाएंगे. इसमें मैंने ऐड कर दिया है अराउंड 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/3 टीस्पून सॉल्ट, शुगर पाउडर अराउंड 1/3 टीस्पून एंड बेकिंग सोडा अराउंड 2 पिंचेस. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये थिन क्रस्ट पिज्ज़ा है इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत कम यूज़ करा है एक क्रिस्पी बेस के लिए. अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो इसमें आप डबल कर सकते हैं क्वांटिटी. सम पिज्ज़ा सीजनिंग टू मेक इट टेस्टी. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अराउंड 2 टीस्पून कर्ड. ये दही से ही इसका आटा गूंदना है. अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं. वैसे तो ये दही में ही गूंद जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें दही यूज़ कर सकते हैं जिसमें अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन जाए. डो बन के रेडी है, अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे और बनाएंगे पिज्ज़ा सॉस. अ पिज्ज़ा इज़ मोर अबाउट पिज्ज़ा सॉस देन चीज़ एंड टॉपिंग्स. तो एक बहुत ही टेस्टी सा पिज्ज़ा सॉस बनाएंगे जिसके लिए मैंने 4 टोमेटो बॉईल करके उनका छिलका उतार दिया है और टोमेटो के साथ मैंने ये होल रेड चिलीज़ जो होती हैं उन्हें भी बॉईल कर लिया था. 4 टोमेटोज़ में 2 पिज्ज़ा के लिए पिज्ज़ा सॉस बन जाएगा. अब इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे. जब ये पीस जाए इसको साइड रख देंगे. अब मैंने ये कुछ बेसिल लीव्स ली है, ये नॉर्मल तुलसी है जो सबके घरों में होती है. आपके पास इटालियन बेसिल है तो आप वो भी ले सकते हैं. मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है और मैंने लिया है अराउंड 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स और ओरिगैनो. ये सब मैंने इसके अंदर ही डाल के इसको साइड रख दिया है. अब एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑलिव ऑयल गरम कर लेंगे. ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर या नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे गार्लिक. ये अराउंड 4 to 5 क्लव्स ऑफ गार्लिक हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया था. इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सॉटे कर लेंगे. बहुत ब्राउन भी नहीं करना है, जस्ट गोल्डन. फिर इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी मिक्सचर जो भी रेडी करा था और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करेंगे तब तक जब तक ये थिक हो जाए. पिज्ज़ा सॉस रेडी हो जाए इसका. पिज्ज़ा सॉस रेडी है, ये अराउंड 4 to 5 मिनट्स में हो जाएगा. नाउ लेट्स प्रिपेयर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट सब्स्टिट्यूट फॉर चीज़. मैंने अराउंड 4 टेबल स्पून ग्रेटेड पनीर लिया है. ये नॉर्मल मार्केट वाला पनीर है, इसको घिस लिया था और इसमें मैंने ऐड कर दी है 5 to 6 कैश्यूज और थोड़ा सा मिल्क जिससे ये ग्राइंड होके हम इसका एक थिक पेस्ट बना सकें. इसमें मैंने 2 to 3 पिंच सॉल्ट भी ऐड कर दिया है. ये क्रीमी पेस्ट रेडी है. अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स. ये ऑलरेडी सॉल्टी है इसलिए मैंने बहुत सॉल्ट नहीं डाला था और इसको फिर से पीस लिया है. ये बहुत ही टेस्टी होता है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी एज़ कम्पेयर टू चीज़. आप इसे रोज़ भी खा सकते हैं. अब मैंने 2 बॉल्स बना ली हैं जो आटा बनाया था उसकी, और उसकी रोटियाँ बना ली हैं. ये नॉर्मल रोटी से बहुत थोड़ा सा ही थिक होगा और ये फूलेगा भी हल्का सा जब इसको सेकेंगे. इसमें फोर्क की हेल्प से ऐसे मार्क्स बना लेंगे ताकि ये फूले ना जब ये सेकें. अब पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने तवा गरम कर लिया है. अब इस पे पिज़्ज़ा बेस रख के सेक लेंगे. सेमी कुक करना है जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही
एक साइड से जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो इसे फ्लिप कर देंगे। एक साइड से सेमी कुक हो चुका है, अब इसे कवर करके कुक कर लेंगे फॉर अराउंड 30 seconds। ये पिज्ज़ा बेस रेडी है। अब पिज्ज़ा बेस के ऊपर पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लेंगे जेनरसली और फिर इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने चीज़ का सब्स्टिट्यूट बनाया था। अब इसके बाद इस जो कॉर्नर्स हैं इसमें फिंगर या ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल या बटर लगा देंगे ताकि ये साइड से भी क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। अब इस पे आप अपनी फेवरेट टॉपिंग्स लगा सकते हैं, सम बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, चेरी टोमेटोज और नॉर्मल टोमेटोज, कैप्सिकम। मैं अपनी फेवरेट टॉपिंग्स यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी पसंद है आप वो टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ मशरूम, ब्रोकली और वट एवर यू लाइक, सम मैलपिनोज। सम पाइनएप्पल एज वेल, आई जस्ट लव देम। अब तवा फिर से गर्म कर लिया है और उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रेड कर देंगे और पिज्ज़ा इस पर रख के इसको लो फ्लेम पे 3-4 मिनट तक कुक करना है कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे। और ये पिज्ज़ा रेडी है। द पिज्ज़ा इज़ रेडी एंड जस्ट लुक एट द बबल्स, लुक्स लाइक मेल्टिंग चीज़ ना। जो हमारा क्रीमी मिक्सचर था कैश्यू और पनीर का, और ये काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है, इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। वाओ, कितना इजीली आप तवे पे या फिर पैन में कभी भी पिज्ज़ा बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। सेकंड पिज्ज़ा मैं पैन में बना रही हूँ, वो भी सिमिलरली ऑयल लगा के पिज्ज़ा रख देंगे और उसे कवर करके कुक कर देंगे फॉर 3 to 5 minutes डिपेंडिंग ऑन योर फ्लेम। सेकेंड पिज्ज़ा इज ऑल्सो रेडी। वाओ, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली डिलीशियस। और इसका क्रस्ट भी कितना अच्छा है, इट इज़ सो क्रिस्पी। साइड से भी ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। सो ट्राई दिस हेवनली हेल्दी एंड डिलीशियस पिज्ज़ा एंड शेयर योर कॉमेंट्स। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।